हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर। मेरा नाम है अभिषेक और मैं हूं आप सबके सीबीएसई का मेंटर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सब बच्चों के लिए मैं लेके आया हूं। ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूं कि बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया दो दिन बाकी है, आज 24 तारीख की रात हो चुकी है, 27 तारीख को हमारा केमिस्ट्री का पेपर है, तो हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए कि हम अच्छे मार्क्स से पास हो पाए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पूछ रहे हैं भैया पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पास होंगे या भी या नहीं होंगे, डर लग रहा है। तो उन सब बच्चों के लिए मैंने एक कॉमन वीडियो बनाया, क्योंकि हो सकता है आपका भी जो ये वीडियो देख रहे हो उसका ये सवाल हो। तो इस सवाल का जवाब ये है कि मैं 5 टिप इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं। ज्यादा लंबा ये वीडियो रखेंगे नहीं, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट। तो 5 टिप जो आप फॉलो कीजिए इन दो दिन में, तो डेफिनेटली आप पास होंगे और अगर आपकी ठीक ठाक स्थिति है तो आपके अच्छे मार्क्स भी आ पाएंगे। तो टिप नंबर 1 नोट कीजिएगा, आपकी जो टिप नंबर 1 है वो है, इस वक्त पे आपको स्टे ऑर्गेनाइज्ड रहना है। यू हैव टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एट दिस मोमेंट। आपको इधर उधर डेविएट नहीं होना है। मटेरियल इकट्ठे करने के लिए ये सब टाइम वेस्ट नहीं करना है। कहां मिलेगा सारा मटेरियल आपको, मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करा रखा है केमिस्ट्री से रिलेटेड। आप अगर इतना भी पढ़ लोगे जो चैनल पे मटेरियल अवेलेबल है तो आप आराम से पास हो जाओगे। वन शॉट वीडियो है, मैराथन सीरीज है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स है, हर चीज आपके पास अवेलेबल है, आप बस पढ़ाई करो। दूसरी टिप है, इस मोमेंट पे आपको लो एफर्ट यूनिट्स को सबसे पहले कवर करना चाहिए, जैसे अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कम एफर्ट लेते हैं बट ये अच्छे मार्क्स आपको दिला सकते हैं। तो इस मोमेंट पे आपको लो एफर्ट्स यूनिट सबसे पहले कंप्लीट करनी चाहिए, जो आपको कॉन्फिडेंस दे। टिप नंबर थ्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त पे हमें क्या पहले पढ़ना चाहिए, ये सवाल काफी बच्चों का होता है। तो सबसे पहले इस वक्त पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करने चाहिए सारे चैप्टर्स के। पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट कवर कर लीजिए, फिर टाइम बचता है तो कुछ और पढ़ेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए भैया, तो एक एक मिनट के मैंने शॉर्ट बना रखे हैं आप सभी के लिए चैनल पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम पे। हर चैप्टर हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लो, अच्छा हो जाएगा, मोर देन इनफ हो जाएगा। मैक्सिमम पेपर, मोर देन 95% पेपर जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से बनने वाला है। नेक्स्ट स्टेप, टिप नंबर 4, ये इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, एक ऐसे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है और एक ऐसे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। अगर अच्छी है प्रिपरेशन, वेरी गुड, आपकी जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो करते रहिए। उसके साथ साथ इस मोमेंट पे आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस में लेके आ रहा हूं, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, फॉर्मूला शीट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो सब वीडियो आपके पास अवेलेबल है, उसको कवर कर लो। अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो इस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए, मैराथन सेशंस मेरे देखने चाहिए। जैसे कल मैंने फिजिकल केमिस्ट्री कराया, आज इनऑर्गेनिक कराया, कल ऑर्गेनिक कराऊंगा, तो ये सब देखोगे तो डेफिनेटली आपको 3-4 घंटे में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, 3 घंटे में पूरी इनऑर्गेनिक, 3-4 घंटे पूरी ऑर्गेनिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई 12-15 घंटे में अपन पूरी केमिस्ट्री कवर कर सकते हैं एटलीस्ट। टिप नंबर 5 की अगर अपन बात करें कि लास्ट मोमेंट पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो आपने पढ़ा है सबसे पहले उसको रिवाइज करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद नए टॉपिक्स पे मूव करो। सबसे पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। ये 5 टिप अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और हालत कसता है तो पास हो जाओगे। टेंशन नहीं लेनी, इस मोमेंट पे आपका बड़ा भाई अभिषेक आपके साथ खड़ा है, डरना नहीं है, इस मुश्किल परिस्थितियों से लड़ना है। तो ऑल दी बेस्ट, इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, दो दिन जम के पढ़ाई करो, डेफिनेटली केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आएंगे, डोंट वरी, ऑल दी बेस्ट।